आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो ज़्यादातर हम रेस्टोरेंट्स या होटल में खाना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम इसे घर पर ही बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल तरीके से, एकदम आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। ये है चिली पनीर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और आज हम इसे रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर ही बनाने वाले हैं। एकदम आसान तरीके से इसे हर कोई बिल्कुल आसानी से बना पाएगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एकदम लाजवाब ये रेसिपी है और आई होप ये आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चिली पनीर बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। हम इसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और एक चम्मच मैदा ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं एक चौथाई छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, जिससे पनीर में अच्छे से नमक का टेस्ट आ जाएगा। आधी छोटी चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे और अच्छे से इसे मिला देंगे। कॉर्नफ्लावर को और मैदे को हम कोट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये, बहुत ही अच्छे से ये कोट हो जाएगा। पनीर पे एक लेयर बननी चाहिए। ये बिल्कुल सूखा सूखा है तो इसमें मैं एक चम्मच रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। अब ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे, उसके लिए तेल गरम कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें 4 से 5 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है। तेल अच्छे से गरम है। एक एक टुकड़ा हम उठा के इसमें रख लेंगे और इसे अलट पलट कर हम हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा बस 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। अगर ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे तो ये हल्के से कड़क हो जाएंगे और चिली पनीर बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। तो अलट पलट करके हम इसे फ्राई कर लेते हैं। देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बहुत ही प्यारा इसमें कलर आ गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैंने इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल लिया था, 2 चम्मच तेल मैंने इसमें रख लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लेंगे। भून लेते हैं इसे हल्का सा। 1 चम्मच बारीक कटी हुई मैंने यहाँ अदरक ली है, डाल लेते हैं। आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। 1 चम्मच यहाँ बारीक कटी हुई हम हरी मिर्च डाल लेते हैं। इसे भी हल्का सा भून लेंगे हम। अब मैंने यहाँ थोड़े से स्प्रिंग अनियन लिए हैं, जो हल्का सा वो व्हाइट वाला जो अगला पार्ट होता है वो ले लेंगे। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम। स्प्रिंग अनियन का चिली पनीर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने यहाँ 2 प्याज लिए हैं, जिसके मैंने पेटल्स अलग कर लिए हैं। देखिए बिल्कुल चौकोर साइज़ में मैंने इसको काटा है, जैसे हम कढ़ाई पनीर में डालते हैं एकदम वैसे। तो इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ शिमला मिर्च ली है, इसे भी मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। लगभग 1 शिमला मिर्च ली है मैंने। इसे भी हल्का सा हम भून लेंगे। अब आधी छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे और आधी छोटी चम्मच इसमें कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चिली पनीर में, बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो मिला लेते हैं इसे। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच डार्क सोया सॉस लिया है। अगर आपके पास लाइट वाला है तो आप 2 चम्मच ले सकते हैं। मिला देंगे इसे। अब हम 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल लेंगे। मिला देंगे इसे भी अच्छे से। और 1 चम्मच मैंने यहाँ रेड चिली सॉस लिया है। चिली पनीर हल्का सा तीखा होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप लिया है। डाल लेते हैं इसे भी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को।
सॉसेस यहाँ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने यहाँ एक चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें एक चौथाई कप पानी डाल लिया है और एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें विनेगर डाल लिया है। आप चाहें तो विनेगर को अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस घोल में मिला दिया है। तो घोल तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा करके हम घोल डाल लेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। इससे हल्का सी थिकनेस आएगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिली पनीर बनकर तैयार होगा। इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 2 मिनट मैंने पका लिया है, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर का कलर बहुत ही प्यारा आया है, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो ग्रेवी को हल्का सा पतला भी कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने ली हैं वो आप डबल ले लीजिए और डबल ही पानी डाल लीजिए। देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है चिली पनीर। अब हम इसमें थोड़े से स्प्रिंग अनियन मिला देंगे, इससे ये और भी टेस्टी हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे। अब ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट और पकाएंगे और फिर गैस को हम बंद कर लेंगे और इसे हम सर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म चिली पनीर बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, या चाहे तो आप पराठे के साथ, चावल के साथ, जैसे आपको पसंद हो आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हमने घर पर ही बनाया है, एकदम आसानी से। बिल्कुल सिंपल डिश है, थोड़े से ही इंग्रेडिएंट के साथ हमने इसे बनाया है। आप भी ऐसे बना सकती हैं, तो चलिए बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आ रही है तो DSR लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली में, फ्रेंड में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।